गजनेंद्र दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हजार ताजमहल एक तरफ और यह मंदिर एक तरफ, अगर आपने यह मंदिर नहीं देखा है तो आपने अभी तक कुछ नहीं देखा है। दिलवाड़ा जैन मंदिर शिल्प और सौंदर्य की अप्रतिम कलाकृति रहस्य जो करते हैं हैरान। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर प्राचीन भारत की अद्भुत निर्माण कला का आश्चर्यजनक उदाहरण है। दिलवाड़ा मंदिर बनने में 14 साल लगे। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान की शान है। इसके पीतलहर मंदिर में श्रेष्ठ देव की पंच धातु से बनी मूर्ति का वजन 4000 किलोग्राम है। यहीं बने विमल बसही मंदिर में लगी आदिनाथ मूर्ति की आंखें असली हीरे की बनी हुई हैं। मंदिर में चारों ओर कला की बेहद खूबसूरती से तराशे गए तमाम नमूने नज़र आते हैं। करीब 1000 साल पुराने ये मंदिर भारतीय कला का बेजोड़ नमूना माने जाते हैं। यहाँ स्थित 5 मंदिरों में से पहला विमल बसही 11वीं सदी में गुजरात के राजा के मंत्री विमल शाह ने बनवाया था, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। दूसरे मंदिर लूना वसही को 13वीं सदी के गुजरात के राजा के 2 मंत्री भाइयों वस्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि दोनों भाई परिवार सहित भगवान के दर्शन करने आए थे। रात होने पर उन्होंने महिलाओं के गहनों की सेफ्टी के लिए उन्हें गड्ढा खोदकर गाड़ना चाहा, तो उन्हें जमीन से ढेर सारा सोना गड़ा हुआ मिल गया। उन्होंने उसमें और पैसा मिलाकर यह मंदिर बनवाया। तीसरा पीतलहर मंदिर राजस्थान के भामा शाह ने बनवाया था। इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण इसमें लगी करीब 4000 किलो की पंच धातु की भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा है। कहा जाता है कि इस प्रतिमा में सैकड़ों किलो सोना भी इस्तेमाल हुआ है। दिलवाड़ा स्थित चौथा मंदिर भगवान पार्श्वनाथ का है। इस 3 मंजिले मंदिर के निर्माण में यह काम करने वाले मजदूरों ने भी आर्थिक मदद की थी, जिन्हें मजदूरी के तौर पर संगमरमर पर काम करने से निकले चूरे के बराबर तौलकर सोना मिलता था। 5वां मंदिर महावीर भगवान का है। छोटा होने के बावजूद यह मंदिर कलाकारी के मामले में यह अद्भुत और अनूठा है। दिलवाड़ा जैन मंदिर को राजस्थान के अति प्राचीन तथा उत्कृष्ट कलाकृति के लिए विश्व विख्यात है। दरअसल यह मंदिर 5 मंदिरों का समूह है। इस मंदिर का शिल्प और इसका वास्तुशिल्प इतनी सजीव है कि देखकर ऐसा लगता है कि मंदिर का वास्तुशिल्प अभी बोल उठेगा। इस मंदिर में सफ़ेद मार्बल का इस्तेमाल कर अद्भुत वास्तुशिल्प को उकेरा गया है। दिलवाड़ा जैन मंदिर 1100 साल पहले बना था, जिसका निर्माण गुजरात के वडनगर के बेहद कुशल इंजीनियरों और कारीगरों ने किया था। इस मंदिर के निर्माण में उस वक्त 18 करोड़ 53 लाख रुपये खर्च हुए। 1500 वास्तु शिल्प वाला यह अनोखा मंदिर 1200 मजदूरों ने 14 साल में बनाया। इसके निर्माण में जो भी मजदूर लगे थे उन्हें मजदूरी के रूप में सोना और चांदी दिया गया था। फिर 14 साल के बाद हर मजदूर करोड़पति हो चुका था। दिलवाड़ा जैन मंदिर में मजदूरों को लंच के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता था, लेकिन मजदूरों ने सिर्फ आधे घंटे का ही लंच इस्तेमाल किया। बाकी समय यानी 1.5 घंटा उन्होंने मंदिर के निर्माण में लगाया। दिलवाड़ा जैन मंदिर वस्तुतः 5 मंदिरों का समूह है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं से 13वीं सदी के बीच में हुआ था। मंदिर का एक एक हिस्सा ऐसा तराशा हुआ है मानो ऐसा लगता है कि यह अभी बोल उठेगा। दिलवाड़ा जैन मंदिर देश के उन 5 मंदिरों में शुमार होता है जिसके निर्माण को अब भी रहस्य माना जाता है। इस मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि जब इसका निर्माण शुरू हुआ तब यहाँ बियावान जंगल थे, लिहाजा यह अनुमान लगाया जाता है कि इतने भारी भरकम संगमरमर और मार्बल के पत्थर को हाथी द्वारा लाया गया होगा। दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।